हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे मैदे की बिस्किट, एकदम खस्ता दुकान के। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चीनी। इस चीनी को एकदम हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, हम सबसे पहले इसमें चीनी पीस लिए थे, 2 कप चीनी ले लेते हैं। इसमें घी डाल रहे हैं, आप चाहे तो इसमें रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। और 1/2 कप हम दूध डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें हम डालेंगे कप मैदा, इसमें हम डालेंगे 3 कप मैदा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें, तो फिर गीला हो जाएगा ना। मेरा आटा गुन चुका है, इसको हम 10 मिनट के लिए सेट के लिए रख देते हैं। देखिए, अब हमारा आटा 10 मिनट तक सेट हो चुका है। अब इसको हम बना के दिखा रहे हैं आपको कैसे बनेगा। देखिए, छोटे छोटे इसको बॉल्स बना लेंगे। बना लेते हैं पहले इसको। देखिए, मेरा बॉल बनके तैयार हो गया है। इसको हम दिखाते हैं इसको किस तरह कटिंग करना है। कोई भी आपके पास इस तरह होगा, इसको ऐसे प्रेस करके नीचे दबा दीजिएगा। देखिए कितना सुंदर निकल गया ना। इस तरह सारा बना लेंगे हम केक करके। देखिए हमने किस तरह बनाया है। रेडी हुई है, इसको हम तलने जा रहे हैं। देखिए, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डालने जा रहे हैं। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तेल का यूज कर रहे हैं। देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम बिस्किट को तलने जा रहे हैं। इसको हम धीरे आंच में पकाएंगे ताकि ये अंदर से पक जाए। देखिए, जब 1/2 कप पक जाए तो इसको बदल देना चाहिए 1/2 कप। देखिए, मेरा बिस्किट बनके तैयार हो गया है। इसको हम निकालने जा रहे हैं किस तरह। देखिए फ्रेंड, मेरी बिस्किट बनके रेडी हो गई है, एकदम दुकान के जैसे, एकदम खस्ता है ये। इसको आप भी ट्राई करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि हमारा रेसिपी आपको कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।